हेलो दोस्तों, सरल नुस्खे में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको माइग्रेन का बेहद ही सरल इलाज बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माइग्रेन का दर्द हमारे दिमाग में केमिकल इंबैलेंस के कारण होता है। माइग्रेन अक्सर हमें थकान या मौसम के बदलने के कारण भी होता है। जब माइग्रेन का दर्द होता है तो यह लगातार कई घंटे तक होता है। तो आइए हम आज आपको बेहद ही सरल उपाय बताते हैं जिससे आप अपने किसी भी प्रकार के सिर दर्द या माइग्रेन का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है इसके लिए। हमें बड़ी हरड़ का बक्कल लेना है, मतलब कि आप किसी भी पंसारी के यहाँ जाएंगे तो आपको यह आसानी से मिल जाएगा। आप उससे बोलेंगे बड़ी हरड़ हमको चाहिए तो वो आपको दे देगा। और इसका बक्कल क्या है ये हम आपको बताते हैं। आप बड़ी हरड़ लीजिएगा, उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर का बीज निकाल दीजिएगा, जो ऊपर का छिलका है वही बड़ी हरड़ का बक्कल होता है। और आपको लेना है धनिया। धनिया तो आप सभी जानते हैं, तो आपको खड़ी धनिया लेना है और मिश्री लेना है। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आपको हरड़ और धनिया 50-50 ग्राम और मिश्री को 100 ग्राम लेना है। तीनों को आपको अलग अलग पहले बारीक पीस लेना है और फिर तीनों को मिलाना है। मिला के आप एक जार में रख लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ खाना है। इस प्रयोग से कई लोगों का माइग्रेन पूरी तरह से सही हुआ है। ये हमारा अनुभूत प्रयोग है दोस्तों, आप इसको एक बार यूज करके जरूर देखिए। अगर आपको है या आपके किसी पड़ोसी, आपके रिलेटिव, किसी को भी ये प्रॉब्लम है, वैसे भी माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल इलाज है और बहुत ही असरकार है। तो प्लीज़ आप ये प्रयोग करके ज़रूर देखिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके दोस्तों।